प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, इस साल का तीसरा ग्रहण और दूसरा चंद्र ग्रहण होने जा रहा है 19 नवंबर को। इस साल का पहला जो चंद्र ग्रहण हुआ था वो 26 मई को हुआ था, उसके बाद 10 जून को सूर्य ग्रहण हुआ, उसके बाद ये तीसरा ग्रहण हो रहा है जो चंद्र ग्रहण है, और ये 19 नवंबर 2021 को होने जा रहा है। और इसके पश्चात एक और सूर्य ग्रहण होगा जो इस साल का चौथा ग्रहण होगा और दूसरा सूर्य ग्रहण होगा, और वो 4 दिसंबर को होगा। अब जब ग्रहण की बात होती है तो बहुत से लोगों के मन में एक प्रश्न होता है कि इसका क्या असर होगा, कहीं ये नेगेटिव तो नहीं है, और बहुत सारी चीजें हमारे मन में आती भी है। ऐसे में आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस चंद्र ग्रहण के संदर्भ में वो सारी जानकारी दूंगा जो आप मुझसे चाहते भी हैं। दर्शकों, 19 नवंबर 2021 को जो ये चंद्र ग्रहण हो रहा है, जो इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है और तीसरा ग्रहण है, क्योंकि पहला ग्रहण चंद्र ग्रहण था, दूसरा सूर्य ग्रहण था और तीसरा ये चंद्र ग्रहण है। ऐसे में ये तीसरा जो ग्रहण हो रहा है, जो चंद्र ग्रहण है, इसके अंदर सबसे पहले ये जानते हैं कि आरंभ कब हो रहा है और कब तक रहेगा। दर्शकों, 19 नवंबर 2021 को 11:32 से 17:33 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। अब ये तो हमने समझ लिया कि चंद्र ग्रहण है, काफी लंबा चंद्र ग्रहण है, अमूमन इतना लंबा नहीं होता है, इस बार ये कुछ ज्यादा लंबा रहेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं, ये चंद्र ग्रहण इस बार अमेरिका, उत्तरी यूरोप, प्रशांत महासागर, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन कुछ भागों में दिखाई देगा। यानी भारत में अमूमन ये दिखाई नहीं देगा। भारत के अंदर केवल अरुणाचल प्रदेश, आसाम, उस जगह पर चंद्रोदय के समय थोड़ा सा ये दिखाई देगा, शेष भारत में ये दिखाई नहीं देगा। यदि मैं बात करूं राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तो इन स्थानों पर यह दिखाई बिल्कुल भी नहीं देगा, यानी कि पूरे भारत में ही नहीं दिखाई देगा, और इन स्थानों पर तो इसका पूरा प्रभाव देखने को ही नहीं मिलेगा। ऐसे में यह चंद्र ग्रहण आंशिक है और इसका बड़ा व्यापक प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। बेशक चाहे ये लंबा है, बहुत लंबा है, अमूमन इतना लंबा नहीं होता है, उसके बाद भी इस चंद्र ग्रहण के नकारात्मक परिणाम, या यूं कहिए कोई भी परिणाम, हम पर ज्यादा नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये भारत के अंदर दिखाई ही नहीं देगा, केवल 2 क्षेत्रों में दिखाई देगा, बहुत थोड़ा सा, और पृथ्वी के बाकी भूभाग पर भी यदि हम बात करें तो आंशिक ही दिखाई देगा। ऐसे में इस चंद्र ग्रहण को लेकर के बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चंद्र ग्रहण के प्रभाव क्या होते हैं और उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये भी मैं आप लोगों को बताता हूं। जिन लोगों को भी ये डर है कि चंद्र ग्रहण के कारण से कुछ परेशानी आती है, तो ये समाधान उनको बहुत बड़ी मदद अवश्य करेगा। दर्शकों, जब भी चंद्र ग्रहण होता है, जिनका भी चंद्रमा मारक है, उनकी मन स्थिति थोड़ी सी विचलित जरूर होती है। मानसिक रोगी जो होते हैं, मनोरोगी जो होते हैं, उनको परेशानियां अधिक होती है, तथा जिनके चंद्रमा अच्छे हैं उनको भी कुछ घबराहट, बेचैनी अवश्य महसूस होती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे शरीर के अंदर बहुत बड़ा भाग जल का होता है। ऐसे में चंद्रमा हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित भी अवश्य करता है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के कारण से मन की स्थिति का थोड़ा सा विचलित होना यह अवश्य बनता है, लेकिन जितना ज्यादा असर इस चंद्र ग्रहण का होगा, उतने ही असर हमको अपने जीवन पर देखने को मिलेंगे। ऐसे में इस चंद्र ग्रहण के कारण से, चूंकि इसका बहुत आंशिक प्रभाव इस पृथ्वी पर पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ी बहुत 10-15% ही रिजल्ट हमें इसके देखने को मिलेंगे। ऐसे में मन का थोड़ा सा विचलित होना, मन का अशांत होना, यह आप जरूर महसूस करेंगे। लेकिन दर्शकों, इसके अतिरिक्त इस नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए जिन लोगों का भी चंद्रमा अच्छा है, उन्हें ओम श्री चंद्र देवाय नमः इस मंत्र का जाप इस ग्रहण काल में अवश्य करना चाहिए, तथा जिनका भी चंद्रमा नेगेटिव है,
उनको भी इस मंत्र का जाप करना चाहिए, लेकिन साथ में उन्हें चंद्रमा के दान भी अवश्य करने चाहिए। ऐसे में पानी, दूध, चीनी या सफेद चीज, इनका दान आप अवश्य कर सकते हैं। लेकिन ये दान कौन लोग करेंगे? जिनका चंद्रमा खराब है। अब बात आती है किनका चंद्रमा खराब है, किनको ये करना चाहिए। तो दर्शकों, यदि आपका वृषभ राशि या वृषभ लग्न है, मिथुन राशि या मिथुन लग्न है, सिंह राशि या सिंह लग्न है, कन्या राशि या कन्या लग्न है, धनु राशि या धनु लग्न है, मकर राशि या मकर लग्न है, या कुंभ राशि और कुंभ लग्न है, इन सभी को चंद्रमा के दान भी करने चाहिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, यदि मान लीजिए आपकी राशि कुछ और है, लग्न कुछ और है, जैसे मान लीजिए मेष लग्न है और मिथुन राशि है, अब यहां पर मिथुन राशि के आधार पर आपको दान करना चाहिए, लेकिन यदि मेष लग्न की बात करेंगे तो आपको नहीं करना चाहिए। ऐसे में यदि ये दुविधा आपके मन में आती है और इस तरह का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में है कि राशि आपकी कुछ अलग है और लग्न आपका कुछ अलग है और उसका कॉम्बिनेशन यहां सेट नहीं हो रहा है, तो आपको केवल मंत्र जाप करना चाहिए, इतना सा आप कीजिए। यानी यदि आपका लग्न और राशि दोनों जो मैंने आपको बताए हैं उनमें आता है तो ही आप दान कीजिए, अन्यथा आप केवल मंत्र जाप कीजिए, यही आपको करना चाहिए। और उसके अतिरिक्त दर्शकों, यदि मान लीजिए आपकी राशि या लग्न इनमें से जो मैंने बताया उसमें से एक है लेकिन दूसरा कुछ और है, तो आपको एक विशेष काम करना चाहिए। इस ग्रहण के बाद में शिवजी के मंदिर में जाकर के आपको शिवजी की आराधना अवश्य करनी चाहिए, ये कार्य आपको करना चाहिए। ये तो सभी दर्शक कर सकते हैं, यानी ग्रहण के बाद में आप शिवजी के मंदिर में जाकर के शिवजी की पूजा करें, ये उपाय सभी लोग कर सकते हैं, चाहे फिर आपका कोई भी लग्न हो और कोई भी राशि हो। ग्रहण काल के बाद में ये उपाय आपको विशेष फल प्रदान करेगा और ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से आपकी सुरक्षा भी अवश्य करेगा। दर्शक, केवल इतना सा आप ध्यान रखिए, इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण काल के अंदर हमारी मन अवस्था थोड़ी सी विचलित होती है, इसीलिए ग्रहण काल को हमने विशेष महत्व अपने शास्त्र ग्रंथों में दिया है और इसके आधार पर दान पुण्य करने की प्रथा भी प्रचलित है। लेकिन एक चीज का ध्यान और रखना है, ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए, इस चीज का भी ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। तथा गर्भवती स्त्रियां चंद्रमा के डायरेक्ट संपर्क में ना रहे, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये छोटी सी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इसका यदि आप ध्यान रखेंगे तो किसी भी तरह के कोई नकारात्मक परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और वैसे भी इस बार ये जो ग्रहण है ये आंशिक है, इसीलिए हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।